नमस्कार, हूँ मनीषा। आप जो रहे आज उस पार्क टुडे न्यूज समाचार में बात करिए तो हाल एमएस यूनिवर्सिटी में यूथ 20 इंडिया अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण अंगे आंतरराष्ट्रीय कॉन्फरेंस नु आयोजन करवामां आव्युं छे। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी 25 फेब्रुआरी 2023 ना रोज 20 यूथ 20 इंडिया पर आंतरराष्ट्रीय कॉन्फरेंस नु जे आयोजन छे, क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मेकिंग सस्टेनेबिलिटी वे ऑफ लाइफ विषय पर कॉन्फरेंस नु आयोजन करवामां आव्युं हतुं। आ वर्षे भारत ने मळेला G20 प्रमुख पदना उपलक्ष्य में आंतरराष्ट्रीय कॉन्फरेंस योजाई। कॉन्फरेंस में विविध देशों में 600 जेटला डेलिगेट्स आव्या हता। जलवायु परिवर्तन पर संशोधन करता संशोधकों तज्ञों हाजर रह्या हता। तमाम ने उपस्थिति में कार्यक्रम सफल रह्यो। युवा मामला मंत्रालय की तरफ से और महाराज सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा की तरफ से एक यूथ 20 कंसल्टेशन का आयोजित किया जा रहा है। इस कंसल्टेशन में 7 स्पीकर्स G20 के देशों से आ रहे हैं और अनेक देशों से डेलीगेट्स, इंटरनेशनल डेलीगेट्स भी इस कंसल्टेशन में हिस्सा ले रहे हैं। कंसल्टेशन का जो थीम है क्लाइमेट चेंज एंड डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन मेकिंग सस्टेनेबिलिटी ऑफ वे ऑफ लाइफ, ये हमारे वर्तमान के लिए और भविष्य के लिए दोनों के लिए बहुत अहम विषय है और गुजरात में युवा वर्ग ने इस थीम पे बहुत काम किया है, एकेडमिक काम भी किया है और वॉलंटियरिंग करके समाज के लिए भी बहुत सारा काम किया है। उन लोगों ने जो भी काम किया है उन सब के ऊपर इस कंसल्टेशन में चर्चा की जाएगी और गुजरात में जो काम हुआ है उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किस तरह से कंट्रीब्यूशन हो सकता है और पब्लिक पॉलिसी के लिए क्या योगदान हो सकता है, इसके ऊपर इस कंसल्टेशन के बाद एक रिपोर्ट तैयार करी जाएगी जिसका अंततः Y20 एंगेजमेंट ग्रुप में इस्तेमाल होगा। थैंक यू। सभी को मालूम है कि हम लोग 2 दिन का एक अंतर्राष्ट्रीय G20 कंसल्टेशन कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की जो मुख्य विशेषता है वो ये है कि ये पूरा कार्यक्रम युवाओं को केंद्रबिंदु बना करके किया जा रहा है। इसमें कैसे, आपको जैसा मालूम है भारत देश ही एक ऐसा देश है जिसमें 65% आबादी जो है 35 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोगों की है। जो आने वाला भारत है, हमारा नया भारत है, उसमें इन युवाओं की भूमिका मुख्य भूमिका होगी। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने ऐसा योजना बनाया कि हम लोग किस तरह से यूथ्स को इन्वॉल्व करके क्लाइमेट चेंज की जो जटिल समस्या है उसका सुविधा के साथ हम कैसे समाधान निकाल सकें। इसलिए 2 दिन की जो चर्चा है इसमें बहुत सारे हमारे युवा मित्र भी, आपको बताएं हम लोग स्टार्टअप्स भी यहाँ पर रख रहे हैं। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड गुजरात सरकार की ओर से जो 50 स्टार्टअप हैं SSIP 2.0 के तहत, उनका भी यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन होगा। वो यूथ भी अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे कि क्लाइमेट चेंज और डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, ये जो कि 2 बहुत जटिल समस्याएँ हैं, इन समस्याओं का सुविधा के साथ कैसे समाधान किया जाए, इसको कैसे सरल बना करके इन दोनों समस्याओं को कैसे युवा वर्ग समाज के प्रति जो उसका दायित्व है, जो उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको कैसे ऐसी जटिल समस्याओं का समाधान दे करके युवा अपनी भूमिका फिक्स कर सकता है। और निश्चित तौर पे ये जो कार्यक्रम है, मैं फिर से एक बार मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में युवाओं को जो रोल दिया है, जो रोल मॉडल की तरह से प्रस्तुत किया है, वो सच में सारे प्रयास जो हैं बहुत ही ज़्यादा सराहनीय हैं। इसमें आपको जैसे हमने बताया बहुत सारे देशों के लोग प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं, लगभग 62 देशों के लोग इसमें हैं जिसमें से 11 G20 कंट्रीज़ के हैं और बाकी के 51 नॉन G20 कंट्रीज़ के लोग हैं। इसमें बच्चे जो रिसर्च का काम भी कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज जैसी समस्या के लिए, उसके लिए भी हम लोगों ने एक पोस्टर सेशन का आयोजन किया गया है। कल आप सभी से अनुरोध है कि उस कार्यक्रम में आकर के उन पोस्टर्स में भी देखें कि हमारा जो युवा वर्ग है, खास करके गुजरात का जो युवा वर्ग है, वो किस तरह से क्लाइमेट चेंज की समस्या को ले रहा है। ये सारे स्टार्टअप्स भी जो हैं यहाँ के वहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो भी समस्याएं हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगी। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुजरात ही देश में एक ऐसा राज्य है जिसने 2009 में क्लाइमेट चेंज एक सेपरेट डिपार्टमेंट के रूप में इस्टेब्लिश किया। उस समय के हमारे
प्रधान मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2009 में क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट एक सेपरेट डिपार्टमेंट के रूप में शुरू किया था, जिसकी उपयोगिता आज आप देख रहे हैं कि 11-12 वर्षों के बाद 13 वर्षों के बाद यहाँ पर जो भी हम लोग क्लाइमेट चेंज के लिए कदम उठा रहे हैं, वो भले ना हमारा नेशनल सोलर मिशन हो या हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्यक्रम हो या हमारा रूफ टॉप का कार्यक्रम हो या हमारा कैनाल टॉप का कार्यक्रम हो, ये सारी जो योजनाएं हैं ये कहीं ना कहीं से क्लाइमेट चेंज में जो जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसमें किस तरह से कार्बन एमिशन हो रहा है, किस तरह से उसको रोका जा सकता है, किस तरह से कार्बन फुटप्रिंटिंग को रोका जा सकता है, किस तरह से कार्बन क्रेडिट्स को अर्न किया जा सकता है, ये सारी बातों की चर्चा इन दो दिन के अंतर्राष्ट्रीय परिचर्चा में होगी। इसमें युवा पैनल डिस्कशन में भी हिस्सा लेंगे और जो भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो भी अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे कि किस तरह से इस जटिल समस्या के लिए भारत गंभीर है, जबकि ये समस्या पूरे विश्व के लिए है, लेकिन इसमें भारत देश कैसे लीडरशिप लेकर के आगे बढ़ सकता है, कैसे हम लोग विश्व की समस्याओं का भी समाधान भारत देशी मीन्स भारतवासी होने के नाते कर सकते हैं, इन सारी बातों पर हम लोग दो दिन तक चर्चा करेंगे। धन्यवाद। सब कहते हैं फूलों सी महक और दूध सी सफेदी आजकल मिलती ही कहाँ है, पर मेरा विश्वास है वितरण डिटर्जेंट पाउडर, जो कपड़ों को दे दूध सी सफेदी और फूलों सी महक और जिद्दी से जिद्दी दाग को कर दे टाटा बाय बाय। आप भी अपनाएं वितरण डिटर्जेंट केक और पाउडर।